असलकम अपने एक गुजत वी लॉग में हमने बड़े दिलचस्प अंदाज़ से इस चीज़ का अहात किया था कि अगर आपके जिसम में विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपको अपनी अमात को देखते हुए ख़ुद कैसे अंदाज़ा होगा कि आपके जिसम को विटामिन डी की इस वक्त ज़रूरत है चूंकि उस वीडियो को लाखों लोगों ने पसंद किया तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना और विटामिनस को भी इसी अंदाज से बयान किया जाए आने वाले वीडियो लॉग्स में हम तमाम विटामिनस का बारी बारी जायजा लेंगे इन विटामिनस की कमी से हमारे जिसम में क्या तब्दीलियाँ रूनम होती हैं इनकी कमी से जिसम में कौन सी अलामत पैदा होती हैं और ज़ाहिर है इससे कदर आपको आसानी हो जाएगी कि इस वक्त आपके जिसम में कौन से विटामिन की कमी पाई जा रही है आपको इसकी बेसिकली कुछ ना कुछ पहचान ज़रूर हो जाएगी और आप बर वक्त प्रॉपर सप्लीमेंटेशन कर सकेंगे तो आज बारी है विटामिन बी वन की आइए आप अपनी डायग्नोसिस ख़ुद ही कर लीजिए कि क्या आपके जिसम के अंदर विटामिन बी वन की कमी मौजूद है या नहीं आप कोई भी काम करते हो तो फ़ौर आपको थकावट हो जाती है आपका दिमाग थक जाता है फ़ौर उगता जाता है पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ी देर में दिमाग फेल होता हुआ महसूस होता और फिर आप किताबें कापियाँ साइड पर कर देते हैं ये सब विटामिन बी वन की कमी की अलाम हो सकती हैं झट से आपकी नर्वस एनर्जी नोज़ डाइव करती है एक और सूरत हाल आपको बताता हूँ मसलन घर में बेगम के साथ आपकी बर्दाश्त कम हो जाती है बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है बात बात पर आप गुस्सा खाने लगते हैं शदीर चढ़ चढ़ापन आपकी तबीयत का मामूल बन जाता है बर्दाश्त ख़त्म होती हुई महसूस होती है ये अलामात नर्वस एग्जॉशन की हो सकती हैं अगर आपको भी किसी ऐसी सूरत हाल का सामना चाहे आप स्टूडेंट हैं या किसी भी उम्र के मर्द हैं या खातून हैं तो या तो आपका विटामिन डी लेवल डाउन है जी हाँ इस पर गौर कीजिएगा और या फिर आपका विटामिन बी वन लेवल डाउन है और या फिर इन दोनों की कमी का आप शिकार हैं इससे आपकी यादाश्त भी मुतासर हो सकती है जब आप अपने सबक भूल जाते हैं बातें भूल जाते हैं और ज़्यादातर इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है बच्चों और ख़वान में इसकी कमी से अक्सर पेट में दर्द भी रहता है बच्चे पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट का इजहार करते हैं दूसरी बात आपको महसूस होता है कि जैसे आपकी टांगों और बाज़ुओं में कभी कभी च्यूटियाँ चल रही होती हैं ज़रूर आपने ऐसा महसूस किया होगा लाइफ में अगर नहीं किया तो बहुत खुशकस्मत लोग हैं फिर बाजू और टाँगें आपको थोड़ी सी शल भी फील हो सकती हैं इसकी कमी से एक अहम बात मैं बताना भूल गया शुरू में बतानी चाहिए थी वैसे तो विटामिन बी वन को थायमिन बोलते हैं जी हाँ कहीं पे आप थायमिन लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि विटामिन बी वन की बात हो रही है तो टांगों में अजीब सी बेचैनी का महसूस होना इसकी कमी की अलाम हो सकती हैं दरअसल बी वन हमारे आसाबी निज़ाम को तकवीत बख्शता है जब आपके जिसम में विटामिन बी वन की कमी होती है तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हो और कॉल में इंटरप्शन या ख़लल आ रहा हो और दूसरे की बात समझ ना आ रही हो तो न्यूरस के बीच में जो सिग्नलिंग होती है उसके लिए विटामिन बी वन चाहिए होता है तो जैसे फ़ोन लाइन्स में या मोबाइल फ़ोन पर कॉल uh, में इंटरप्शन होती है ऐसे इसकी कमी की वजह से असाबी निज़ाम में खलल होता है और उसी वजह से फिर हाथों और पैरों में ग़ैरमूली बेचैनी और कमज़ोरी महसूस होती है आप सारे दिन की थकान के बाद रात को सोने लेटते हैं खूब नींद आई हुई होती है मगर थोड़ी देर बाद आपको एहसास होता है कि नींद तो आ ही नहीं रही वजह क्या है वजह यह है कि आपकी टांगें गैर इरादी तौर पर हरकत कर रही होती हैं ये भी आपने महसूस किया होगा आपको लगता है कि आपकी टांगों में शदीद बेचैनी है करवटें बदल बदल कर आप बिस्तर पर वो पोजीशन अख्तियार करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसमें नींद आ जाए मगर आपकी बेचैन टाँगें आपको इसकी इजाज़त नहीं देती टांगों की ये बेचैनी जिसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं ये विटामिन बी की कमी की अलामत भी हो सकती हैं तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा तस्वर करें कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपको इजाफ़ी सांस की ज़रूरत हुई हो जी हाँ सांस लेते वक्त आपने यूं किया हो जैसे कि आपको इर्द गिर्द की हवा काफी नहीं है आप गहराई से सांस लेने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको सुकून या इतमान नहीं हो पाता ऐसे लगता है कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन आपको कम पड़ रही है हालांकि उस वक्त आप किसी हवादार जगह पर भी हो सकते हैं तो सांस लेने के लिए हवा की ऐसी प्यास या भूख विटामिन बी वन की कमी की अलामत हो सकता है निज़ाम तनफस की सेहत और सांस लेने के अमल को बखूबी सर अंजाम देने के लिए आपको विटामिन बी वन की ज़रूरत होती है अगर इस विटामिन की कमी है तो आपको सांस लेने या सांस खींचने या उसे फेपड़ों में भरने में दुश्वारी का सामना होगा और इसी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है फिर और आप जितनी भी हवा खींच लें आप मुतमिन महसूस नहीं कर पाते इसको हम एयर हंगर बोलते हैं आखिर में दो ऐसे मसले जो विटामिन बी वन की कमी से आपको हो सकते हैं उनमें पहला है काफ एडिमा यानी टांग के निचले हिस्से के पीछे का जो हिस्सा है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसमें अगर स्वेलिंग रहती है तो एन मुमकिन है कि आपको विटामिन बी वन की कमी दरपेश हो ये हिस्सा अगर सूजा हुआ और पफी महसूस होता तो बी वन की कमी हो सकती है बी वन की कमी से आपके जिसम में दरअसल इजाफ़ी पानी जमा होने लगता है जिसकी वजह से जिसम फूल सकता है और ख़ास कर यह हिस्सा ज़्यादा नुमाया नज़र आता है और ये इसकी खसूसियत है कि यह विटामिन बी वन की कमी है इसकी निशानी ये है कि इस हिस्से में आपको तकलीफ़ या फिर हल्का भारीपन महसूस होगा ये स्वेलिंग क्यों हो जाती है दरअसल बी वन हमारे जिसम में पानी की मिकदार को मुतवाजन रखने में किरदार अदा करता है विटामिन बी वन कम होगा तो ये तवाज़न बिगड़ जाएगा और जिसम के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पानी इकट्ठा हो सकता है इसको एडिमा कहते हैं स्वेलिंग कहते हैं सूजन कहते हैं और आखिरी बात कि दिल की धड़कन में आपको रद्दबदल महसूस हो सकता है बी वन हमारे दिल तक वो सिग्नल पहुँचाता है याद रखिएगा जिसकी वजह से दिल की धड़कन एक मनज़म ज़ाबते को फॉलो करती है बी वन कम है तो दिल की धड़कन बेकायदा हो सकती है बेकायदा जी हाँ बाकायदा नहीं बेकायदा हो सकती है विटामिन बी वन वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है बॉडी में जो दिल की धड़कन को नॉर्मल रखते हैं अगर तो ये कम होगा तो आपका दिल अपनी कुदरती ताल के मुताबिक धड़क नहीं सकेगा थोड़े अल्फाज शायराना हो गए माफ़ी चाहता हूँ आप हर वक्त एक सवाल पूछते हैं कि इन विटामिन वाली फूड्स का नाम भी लिया करें तो बी वन मौजूद होता है गंदम में ओट में ब्राउन राइस में भी होता है सनफ्लावर सीड्स फ्लैक्स सीड्स पिस्ता गोश्त यानी चिकन और बीफ इसके अलावा मछली वग़ैरह में भी ये विटामिन वाफर मकदार में पाया जाता है अब सवाल ये उठता है कि ये गज़ाएँ तो तकरीबन तमाम लोग खाते हैं तो फिर जिसम में इन अहम विटामिनस की कमी कैसे वाक़ हो जाती है बहुत अहम सवाल है अक्सर लोग ये पूछते हैं और अक्सर लोग मुझ पर एतराज करते हैं बल्कि अक्सर डॉक्टर्स पर एतराज करते हैं कि आप लोग उन ज़ाओं के नाम नहीं लेते बस सप्लीमेंट बेचना शायद आपका मकसद होता है जिसकी वजह से आप इनकी तशहर करते हैं तो ऐसा हरगज़ भी नहीं है मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें बताता हूँ जो ये बातें सुन लेगा और समझ लेगा वंदा एतराज़ नहीं करेगा ये जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ दोबारा बता देता हूँ आबादी का ज़्यादातर हिस्सा माल एब्जॉपन का शिकार है वक्त के साथ उम्र के साथ या मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने के बाद तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद आपका मैदा आपकी आते सौ फ़ीसद काम नहीं करती सौ फ़ीसद सेहतमंद नहीं रहती आपकी छोटी आँत और उससे पहले मैदा आता स्टॉमक जिसको कहते हैं वो इतना फिट नहीं रहता जैसे जवानी में होता अक्सर आजकल जवान लोगों के मैदे भी ख़राब हैं उनकी आँखें भी ख़राब हैं फास्ट फूड्स खा खा के कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी पी के बेतहाशा चाय पी पी के उनका जो जी आई टी है निज़ाम नि़ाम है वो तबाह हो चुका होता है या तबाह ना भी कहें तो सौ फ़ीसद अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता किसी का फिफ्टी परसेंट है किसी का सिक्सटी है सेवेंटी एटी हंड्रेड परसेंट नहीं होता कहने का मकसद ये है जिसकी वजह से आप खुराक से ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स खींच नहीं पाते एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इसलिए आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो सप्लीमेंट्स में इन विटामिनस की बड़ी डोज मौजूद होती है और उनके इस्तेमाल से फिर किसी हद तक आपकी ये कमी पूरी हो जाती है। या कदरे बेहतर अंदाज़ में पूरी होती है तो ये वो टेक्निकल पॉइंट था जो समझने की ज़रूरत थी इन वीडियोस का कतन ये मकसद नहीं होता कि हम आपको मजबूर करते हैं कि आप सप्लीमेंट्स अपने लिए ख़रीदें या इस बिज़नेस की प्रमोशन इसका मकसद हरगिज़ नहीं है जी हाँ तो ये था आज का टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा इन शिटामस का भी इसी अंदाज़ में आइंदा आने वाली वीडियोज़ में जायज़ा लेते रहेंगे खुश रहिए आस पास लोगों का ख्याल रखिए मिलते हैं दोबारा अल्लाह हाफिज़ नासर